परमहंसास्वादितचरण कमल जिनमकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय सुवदने लक्ष्मीर्यस्य च रक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध पंचम अध्याय में गंगा तट पर हरिद्वार में भगवान मैत्रेय जी की सन्निधि में परम भागवत विदुर जी का सत्संग चल रहा है। विदुर जी ने पवित्र हृदय से सर्व संसार के मंगल के लिए 15 श्लोकों में प्रश्न किया और उस साधन के बारे में जिज्ञासा की। और साथ में कहा कि पाप कर्मों के प्रभाव से जीव मनुष्य भगवत विमुख हो रहा है और भगवत विमुख जीवों के संबंध में उन्होंने बड़ा खेद प्रकट किया, उनके बारे में मैं शोक कर रहा हूँ। शोक करने योग्य दो प्रकार के लोग बताए, एक तो वे जो जानते नहीं हैं कि भगवान की मंगलमयी यह गाथा ही परमार्थ है जीवन का, यह जानते नहीं इसलिए अर्थ काम के पीछे दौड़ रहे हैं। और दूसरे वे हैं, उनसे भी ज्यादा शोक के योग्य वे बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जो इस बात को जान गए हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान की मंगलमयी लीलाओं का चिंतन करना है, श्रवण करना है, ज्ञान करना है, फिर भी विमुख है। और विमुख होकर के तीनों प्रकार की क्रियाएं है ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन से अनावश्यक चिंतन में लगे हुए हैं, वाणी से अनावश्यक वार्ता में लगे हुए हैं और शरीर के द्वारा अनावश्यक क्रियाओं के पीछे भागे जा रहे हैं। ये तो ऐसे तो शोक करने वालों से भी अधिक शोक करने वाले हैं। क्या कहा? और ऐसे प्रसंग बड़े मार्मिक होते हैं कि उनको कभी भूलना ही नहीं चाहिए। मनुष्य जीवन में प्रमाद जो है, सनत्व जाति में धृतराष्ट्र को भगवान सनत कुमार ने यही कहा उनके प्रश्न के उत्तर में कि प्रमादो वै मृत्यु अहम ब्रवीम, प्रमाद ही मृत्यु। हाँ जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ हो गया। वो ऐसे लोग जो हैं सर्वाधिक शोक के योग्य हैं। ये विदुर उनके प्रश्न को सुन करके भगवान मैत्रेय जी को बड़ी प्रसन्नता और उन्होंने भगवान की सृष्टि स्थिति और संहार वाली लीलाएं, संसार की उत्पत्ति
संसार की संभाल और समय पर उपसंहार लय, ये सब भगवान की लीलाएं, उनके बारे में प्रश्न किया गया है। तो प्रसन्न होकर के मैत्रेय जी ने, क्योंकि क्रम यही है, पहले उत्पत्ति होगी, तब संभाल होगी, तब प्रलय होगा। तो उत्पत्ति भगवान के द्वारा कैसे होती है, यह उत्तर दे रहे हैं। पिछले दिन 5/24 तक हुआ था, पिछले प्रसंग में भगवान मैत्रेय जी ने बताया कि देखो, यह जगत रचना के पूर्व एकमात्र भगवान अकेले ही थे। वे भगवान कौन है? आत्मनाम आत्मा, जीवों की आत्मा है वे। सभी जीव उन्हीं से प्रकट होते हैं, इसलिए भगवान जीवों की आत्मा है, अखंड आत्मा। और उस समय सृष्टि के पूर्व भगवान की इच्छा रूपी जो माया शक्ति है, वह भी भगवान में ही अनुगत थी, कोई चेष्टा नहीं कर रही थी। आत्मेच्छा अनुगता वात्मा नाना मत्युपलक्षण, संसार की दशा में जो नानात्व, देवता दानव मानव पशु पक्षी कीट पतंगा, ये जो नाना दर्शन होता है वृक्षों का, उस समय यह नहीं था। और फिर कहा कि सदा एष तदा दृष्टा ना पश्य दृश्य में कराट। उस समय भगवान केवल दृष्टा मात्र थे जगत की उत्पत्ति के पूर्व। उस समय है ना, ना पश्यत दृश्यम, दृश्यम न अपश्यत, कोई दृश्य उनको नहीं दिखाई दिया। एक रात, एक एवं राजते प्रकाशते, एक रात अद्वितीय, केवल भगवान ही प्रकाशित हो रहे हैं। दृश्य है ही नहीं तो दृश्य देखें कैसे? और इसीलिए भगवान अपने को में विचार करने लगे कि अरे मैं भी नहीं हूं क्या? मैंने असंतमिव आत्मानम, आत्मानम माने स्वम, असंतमिव मानो मैं भी नहीं हूं, सब शून्य ही शून्य रह गया, ऐसा मान रहे थे। क्यों ऐसा मान रहे थे? क्योंकि दृश्य को उपस्थित करने वाली भगवान की माया शक्ति सोई हुई थी, इसलिए दृश्य था नहीं। जब दृश्य था नहीं तो दृश्य कैसे भगवान देखें? तो कहते हैं फिर दृष्टापना भी नहीं रहना चाहिए। आप तो कहते हो कि वो दृष्टा थे, तो कहते हैं दृष्टा इसलिए कहा जा रहा है, सुप्त शक्ति असुप्त दृक, क्योंकि दृष्टा की दृष्टि का कभी लोक नहीं होता। नहीं दृष्टुर दृष्टिर विकल्लोको विद्यते अविनाशित्वात्। इसलिए है ना, दृष्टित्व जो है स्वरूप है, क्रिया के अधीन दृष्टित्व नहीं कहा जा रहा है। दृष्टा में जो है तृच प्रत्यय होता है, तृच प्रत्यय कर्तार्थ में होता है, दृष्ट धातु है देखने वाला, देखने की क्रिया करने वाला, तो देखने की क्रिया करने वाले तो भगवान उस समय है नहीं सृष्टि के पूर्व, क्योंकि देखने की कोई वस्तु है ही नहीं, तो देखने क्रिया कहाँ से होगी? तो दृष्टा फिर क्यों कहा जा रहा है? तो दृष्टा इसलिए कहा जा रहा है कि उनमें दर्शन सामर्थ्य तो है, दृश्य नहीं होने से दर्शन क्रिया नहीं है, किंतु दर्शन सामर्थ्य तो है। अरे और नहीं जाने दो तो कुछ नहीं का दर्शन भी तो सुषुप्ति अवस्था में हमको होता है,
तभी तो जगने पर हमको अनुभव होता है कि मैं खूब सुख से सोया, कुछ भी नहीं जान पाया। तो कुछ भी न जानने को प्रकाशित करने वाला साक्षी दृष्टा आत्मा सुसुप्ति अवस्था में भी विद्यमान है। जैसे ऐसे ही प्रलय काल में भी दृष्टा भगवान विद्यमान है, यह बात कही गई। यहां तक हो गया था। आप कहते हैं सारा एतस्य संदृष्टु शक्ति सदसदात्मिका। अब देखिए सृष्टि के लिए तो माया शक्ति का जागरण अनिवार्य है, सृष्टि होगी नहीं, दुष्ट तभी आएगा। तो माया क्या है उसको बता रहे हैं, सारा एतस्य संदृष्टु शक्ति सदसदात्मिका। हे विदुर जी, उन दृष्टा भगवान की है ना, दृष्टा भगवान की संदृष्टु एतस्य भगवतः सा शक्ति है ना। दृष्टा भगवान की वह शक्ति क्या है, सद सदात्मिका, माया नाम वाली वह शक्ति है, वह कैसी है, सद सदात्मिका, सत और असत उभयात्मिका है। सत और असत की प्रतीति माया के द्वारा ही होती है। सत सदात्मिका माया नाम महाभाग, उसी को हे महाभाग विदुर के लिए संबोधन है, उसी का नाम माया है। येदं निर्ममे विभु, इसी भगवान की माया शक्ति, अपनी शक्ति के द्वारा ही भगवान ने इदम विश्वम निर्ममे, यह संसार बनाया, रचना किया, बनाया। टीका सावई दृष्टि दृष्ट्यानुसंधान रूपा सद सदात्मिका कार्यकर्ण रूपा। वह दृष्टा भगवान की शक्ति क्या है, माया, जो दृष्ट दृश्यानुसंधान रूपा, माने जिसमें देखने वाला और देखा जाने वाला पदार्थ, इसका अनुसंधान जहां शुरू हो जाता है, ये दिखाई दे रहा है, यह देख रहा है, ये सुनाई दे रहा है, ये सुन रहा है, यह ग्रहण हो रहा है, यह ग्रहण कर रहा है, यह जहां अनुसंधान हुआ वही भगवान की शक्ति माया है। सत सदात्मिका, वह सत असत उभयात्मिका है, सत असत उभयात्मिका है भगवान की शक्ति माया। सत असत की व्याख्या श्रीधर स्वामी करते हैं कार्य कारणात्मिका, कार्य कारण रूपा। सत माने कार्य और असत माने कारण, क्योंकि कार्य जो है दृष्टिगोचर होता है, और तो जो जगत प्रपंच है यह कार्य है, क्योंकि दृष्टिगोचर हो रहा है, इंद्रियों से अनुभव में आ रहा है, किंतु इसका कारण जो माया शक्ति है वह तो नहीं दिखाई दे रही, असत है, कारण है। तो कार्य कारणात्मिका वह माया है सत्सदात्मिका। अथवा श्रीधर स्वामी एक दूसरी व्याख्या करते हैं, है ना, यद्वा सत दृश्यम और असत माने अदृश्यम, माने दृश्य अदृश्य रूपा, दृश्यादृश्य रूपा है भगवान की शक्ति माया। असत अदृश्यम आत्मस्वरूपम च तयोरात्मा यस्याः, अपना स्वरूप जो है जो दृश्य और अदृश्य रूप है, ऐसा जिसका स्वरूप है। तद उभयानुसंधान संधान रूपत्वात्,
क्योंकि दोनों का अनुसंधान जो है उसी के द्वारा होता है। अनुसंधान अन्वेषण, प्रतीति अनुभूति, अनुसंधान रूपत्वात्, अर्थात सत असत को प्रकाशित करने वाली जो माया है वह अधिष्ठान रहित नहीं है। शक्ति जो है अपने आश्रय को छोड़ करके रह ही नहीं सकती। तो सत्सदात्मिका जो माया शक्ति है उसके आश्रय तो भगवान है। भगवान के बिना, आश्रय के बिना माया शक्ति कहाँ रह सकती है, है ना? भगवान के आश्रय में ही रहती है। असल में इसीलिए वेदांत में ईश्वर को ही, भगवान को ही अभिन्न निमित्त उपादान दोनों कारण माना गया। यद्यपि निमित्त कारणता तो भगवान के सर्वज्ञत्व स्वरूप की दृष्टि से है। कुलाल देखिए, कुलाल जो है निमित्त कारण है घड़ा बनाने का, तो कुलाल बुद्धिमान होता है, घट को जानता पहचानता है। अगर घट को कुलाल न जानता हो तो कैसे घट बनाएगा? भाई अगर कुर्सी के विषय में ज्ञान न रखे तो कुर्सी कैसे बनाएगा? जुलाहा अगर सूत और कपड़ा नहीं जानेगा तो कपड़ा कैसे बनाएगा? तो निमित्त कारण जो भी होता है वह ज्ञानवान होता है, उपादान कारण जड़ होता है। मिट्टी जड़ है, उपादान कारण है। स्वर्णकार आभूषण बनाने वाला निमित्त कारण है, सोना जड़ है, उपादान कारण है, ऐसे शब्द इस तरह से है। किंतु यहाँ क्या है, यहाँ तो लग जाता है लोक में, क्योंकि कुलाल अलग है, मृतपिंड अलग है, सुधार अलग है, स्वर्णपिंड अलग है। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। अगर ईश्वर अलग हो तो माया शक्ति अलग हो तो अलगाव बने। किंतु माया शक्ति तो ईश्वर से अलग है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं। इसलिए मूलभूत ईश्वर ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण माना जाता है वेदांत में। ये है कि माया जो है ईश्वर की उपाधि बन जाती है। उपाधि माने चश्मा, जैसे नीला पीला चश्मा लगा करके नीला पीला रूप दिखाई देने लगा, इस प्रकार से वह उपाधि रूप जो माया शक्ति है वही दृश्य और अदृश्य उभय रूपों को प्रकाशित करती है, प्रकट कराती है। यह है तदुभयानुसंधान रूपत्वात्, दोनों का दृश्य का और अदृश्य का अनुसंधान रूप है वह। अच्छा, आप जो है आगे कहते हैं, कालवृत्त्यात् मायायां गुणमय्या मधोक्षजः पुरुषेणात् भूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्। अब देखिए, अभी तक भगवान मैत्रेय जी ने बताया कि सृष्टि के पूर्व एकमात्र भगवान ही थे, माया भी उन्हीं में लीन थी, पृथक नहीं थी। किंतु होता क्या है, सृष्टि की प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया देखिए, यह भगवान की लीला का ही चिंतन है। भगवत लीला के रूप में यह प्रक्रिया चिंतन करनी चाहिए। काल शक्ति, भगवान तो अनंत शक्तियों के अधिष्ठान है, काल शक्ति को भगवान है ना योग निद्रा में प्रवेश करते समय स्वतंत्र रखते हैं। जैसे देखो, किसी व्यक्ति को सवेरे जल्दी ट्रेन पकड़नी होती है 3 बजे या 4 बजे, तो संकल्प करके सोता है कि भाई हमको जगा देना, चिंतन करके सोता है।
तो अकेला अगर रह रहा है तो भी उस समय नींद खुल जाती है, क्योंकि काल को उसने नियत कर दिया कि इतने बजे हमको जगा देना, तो उस समय नींद खुल जाती है। तो प्रलय काल में समग्र विश्व ब्रह्मांड को उदरीकृत, उदर में विलीन करके भगवान योग निद्रा में सोए हुए हैं। सोए सोए जब उनमें क्या हुआ, समय जब आया, प्रलय का समय पूरा हुआ, तो वही अलार्म की तरह से काल शक्ति ने भगवान के उदर में लीन जो समग्र विश्व ब्रह्मांड की उपादान शक्ति माया, जो त्रिगुणात्मिका है, सात रजतम तीन गुण वाली, उसमें क्षोभ पैदा कर देता है, काल माया को शुद्ध कर देता है, माया के गुणों में क्षोभ पैदा हो जाता है। तो जब माया के गुणों में क्षोभ पैदा हो जाता है तो क्षुब्ध हुई माया शक्ति को भगवान स्वीकार कर लेते हैं और उसमें चिदाभास रूप गर्भाधान करते हैं, चिदाभास का माया शक्ति, चिदाभास वही जीव कहा जाता है, और उसके द्वारा महत्तत्व प्रकट हो जाता है, उसी को यहां कह रहे हैं। काल वृत्त्या तु मायायाम गुणमय्या मधोक्षजः। काल वृत्ति के द्वारा, वृत्ति बने व्यापार, काल जो अपना काम करता है समय पर करता है, तो माया में गुणमयी जो माया है सर्वप्रजतम, उसमें अधोक्षज भगवान ने गुणमयी माया में वीर का धान कर दिया। वह वीर क्या है, पुरुषणात भूतेन, पुरुष वही जीवात्मा, आत्मभूत माने जो भगवान का ही अंश रूप है, भगवान का अंश रूप जो जीवात्मा है पुरुष रूप में, उसके उसके द्वारा वीर का आधान कर देते हैं। वीरवान का मतलब है कि भगवान अनंत शक्तिवान है। तब क्या होता है कि उससे, देखिए टीका, काल वृत्या माने काल शक्त्या, गुणमय्याम क्षुभित गुणायाम, गुणमयी जो क्षुभित गुण वाली माया है, सत्रजतम त्रिगुणात्मिका माया है, इसके तीनों गुण क्षुभित हो जाते हैं प्रलय काल में। प्रलय प्रलयावस्था में प्रकृति के माया के तीनों गुण सम बने रहते हैं, त्रयाणाम गुणानाम साम्यावस्था प्रलय, और जब तीनों गुणों में विषमता हो जाती है तब सृष्टि का कार्य आरंभ होता है। त्रयाणाम गुणानाम साम्यावस्था प्रलय, वैषम्यावस्था सृष्टि, इसलिए सर्वे सबसे पहला काम काल के द्वारा माया के तीनों गुणों में क्षोभ पैदा कर होना है। क्षोभ पैदा होने से उनमें वैषम्य आ जाता है, सत रजतम ये तीनों गुण विषम हो जाते हैं, तब सृष्टि का आरंभ होता है। तो क्षुभित गुणायाम अधोक्षज परमात्मा, अधोक्षज अर्थात परमात्मा ने आत्मांश भूतेन अपने ही स्वरूप के अंश भूत पुरुष के द्वारा प्रकृत्यधिष्ठात रूपेण, प्रकृति के अधिष्ठाता रूप से, प्रकृति के अधिष्ठाता रूप से वीर्यम चिदाभासम आधत्त, वीर माने चिदाभास रूप वीर का आधान कर दिया। देखिए इसका अभिप्राय यह है कि माया शक्ति अचेतन है, जड़,
उसमें कोई भी क्रियाकलाप चेतन के बिना संभव नहीं। इसलिए भगवान ने जीव रूप से पुरुष रूप से जो चेतन का आधान किया तब वह माया है ना, है ना, क्रिया कार्य करने में समर्थ हो गई। आधत्व वीर्यवांश शक्ति युक्त है, क्योंकि भगवान चित्त शक्ति युक्त है। चित्त शक्ति वीर माने शक्ति, तो वीर्यवान माने शक्तिवान, शक्ति वहां क्या है, चेतन शक्ति। तो चेतन शक्ति युक्त भगवान ने चेतन रूप अंश का आधान किया माया में, शुभित माया में। आधान करने से वही जिसका आधान किया वही महत्त्व के रूप में प्रकट हो गया, वही महत्त्व है। आगे देखिए, ततो भवन महत्तत्वम, वही कह रहे हैं कि मैंने पुरुष रूप से अपने अंशभूत पुरुष का आधान करने से शुद्ध गुण वाली माया में महत्तत्व प्रकट हो गया। ततो भवन महत्तत्वम अव्यक्तात् कालचोदितात्। अव्यक्त तो माया है प्रकृति, उससे क्योंकि उसमें भगवान ने काल के द्वारा माया के क्षुभित होने पर वैषम्यावस्था को प्राप्त होने पर पुरुष रूप अंश से आधान किया है। आधान करने से उससे क्या प्रकट हो गया, महत्तत्व प्रकट हो गया। काल चोदितात् माने काल प्रेरितात्, काल के द्वारा प्रेरित। काल का सभी जगह उपयोग यही है, आगे बहुत बार आएगा। काल जो है क्षुब्ध करता है, काल के क्षुब्ध करने से ही गुणों में परिणाम जारी होता है। काल अगर क्षोभ पैदा न करे तो गुणों में परिणाम नहीं होगा। देखिए, काल कृत छह प्रकार के भाव विकार माने जाते हैं, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यते। छह प्रकार के भाव विकार हैं, वस्तु विकार। भाव माने वस्तु विकार या क्रिया विकार, छह प्रकार के। ये छह प्रकार का विकार जो है काल की देन है। काल ने क्या किया, गुणों को क्षुब्ध किया। क्षुब्ध होने से गुण जो है ना, परिणाम को प्राप्त होंगे। परिणाम को प्राप्त होंगे तो परिणाम को निरंतर प्राप्त ही होते रहेंगे। पहला परिणाम पैदा होना, जन्म लेना। दूसरा परिणाम अस्तित्व में आना। तीसरा परिणाम वृद्धि को प्राप्त होना, अपक्षय को प्राप्त होना। इस तरह से नाश तक, इसी को सांख्य दार्शनिक कहते हैं, है ना, क्षण स्थायिनो ही भावा रिते चित शक्ते। एक चेतन शक्ति को छोड़ करके बाकी सारे पदार्थ एक क्षण से ज्यादा अपने स्वरूप में ठहरते ही नहीं, बदलते रहते, परिवर्तित होते रहते। तो उसी काल शक्ति ने प्रकृति को जब शुद्ध किया, प्रेरित किया, तो गुणों में परिणाम जारी हो गया। गुणों में परिणाम जारी करने वाला काल, प्रकृति उपादान कारण, और भगवान का जो वीर रूप अंश चिदाभास, ये तीनों का मिश्रण महत्तत्व है। महत्तत्व में माया प्रकृति का भी अंश है, त्रिगुण, और चैतन्यांश भी है, और शोभक काल का प्रभाव भी है। काल का प्रभाव होने से क्या है, अब महत्तत्व तो प्रकट तो हो गया, लेकिन महत्तत्व तो ऐसा नहीं कि प्रकट होकर तो बस बैठा है। वो तो परिणाम शुरू होने के बाद परिणाम जारी ही रहेगा। सृष्टि का आरंभ हो गया समझिए, महत्तत्व के प्रकट हो जाने के बाद
फिर तो परिणाम प्रत्येक क्षण में जारी ही है। क्षण स्थायी नो ही भावा, चेतन शक्ति को छोड़ करके बाकी सब कुछ प्रत्येक क्षण में यहाँ परिवर्तनशील है। उसी परिवर्तनशीलता के परिणाम स्वरूप महातत्व प्रकट हो जाने के बाद फिर अहं तत्व प्रकट हो जाएगा। तीन प्रकार का होगा, सात्विक राजस तामस। सात्विक से फिर परिणाम होगा, ये सृष्टि होगी, राजस से होगी, तामस से होगी। इस तरह से भगवान की सृष्टि लीला का क्रम है ना निरूपित किया जा रहा है। कहते हैं कि अजो महातत्व प्रगत हुआ या कैसा है, विज्ञानात्म देहस्थम। आत्म देहस्थम विज्ञानात्म रूप है, क्योंकि चेतनांश मिला हुआ है ना इसमें, चैतन्यांश है। ज्ञान जो है चेतन का लक्षण है। विश्वम व्यंज तमोनुदह, और इसलिए आत्मा माने भगवान के विग्रह में स्थित है सारा विश्व। उस विश्व को व्यक्त करने के लिए महातत्व जो विज्ञानात्म रूप है ना, वह भगवान के ही उदर में विलीन जो विश्व है, विश्व ब्रह्मांड है, उसको व्यक्त करते हुए व्यंजस तमो नुदह। तम माने अंधकार का नाश करने वाला, अंधकार को नष्ट करके प्रकाश में लाने वाला है। क्योंकि महातत्व के संबंध में दार्शनिकों की मान्यता यह है कि महातत्व के रूप में जो प्रथम प्रकृति का परिणाम हुआ वह महातत्व क्या है, इसको कहीं पर तो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में निरूपित किया गया। और शुद्ध दार्शनिक व्याख्या में इसको बताया गया है कि समष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि। क्योंकि यहां देखिए दृष्टि यह है कि भगवान संसार की उत्पत्ति कर रहे हैं, तो उत्पत्ति के क्रम में क्या होता है कि है ना, क्या क्या हमको उत्पन्न करना है ना। बाजार जाते हैं तो सामान की लिस्ट बना के ले जाते हैं, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है, ये लाना है। उसी तरह से संसार में जो जो कुछ प्रकट होना है, पैदा होना है, बनना है, उसका समष्टि जो है समष्टि बुद्धि के रूप में उसका आकलन यहां बताया गया है। आकलन, क्योंकि कोई भी वस्तु पहले कल्पना में आती है कि ऐसा हम नक्शा बनाएंगे, ऐसा मकान बनाएंगे, ऐसा ये करेंगे, ऐसा वो करेंगे, उसका पहले बुद्धि में आकलन होता है ना। तो समग्र विश्व ब्रह्मांड का जो बुद्धि के द्वारा आकलन होना है वही प्रथम विकार है महातत्व, वह प्रकट हुआ। और यह जो समष्टि बुद्धि है ये सामान्य है, इसमें सारा लिस्ट है, अभी इसका पार्थक्य पृथक्ता इसमें नहीं आई। पार्थक्य आगे आएगा, कैसे आएगा वही बताएंगे। ठीक है, इसकी रह गई काल प्रेरितात् अव्यक्तान मायातः। काल के द्वारा प्रेरित माने क्षुब्ध, अव्यक्त जो माया, अव्यक्त और माया दोनों पर्यायवाची। तत्व पदम परित्यज्य महतो लक्षणम्। तत्व पद का त्याग करते हैं महत का लक्षण करते हैं, अतः पुल्लिंग निर्देशो विज्ञानात्मा इति। इसलिए महत शब्द तो नपुंसक लिंग है, किंतु उसके तत्व को छोड़ करके है ना, उसका लक्षण जब करते हैं तो विज्ञानात्मा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग से लक्षण कर रहे हैं। विज्ञानात्मा क्यों है, विज्ञानात्मा माने बुद्धि, विज्ञायते अनेन विज्ञानम बुद्धि है ना, बुद्धि रूप है।
बुद्धियात्मक है वही समष्टि बुद्धियात्मक, समष्टि बुद्धियात्मक है ना, जिसमें सारा दृश्य जो है परिगणित बना हुआ है। सत्व प्रधानत्वात् स्वदेहस्थम विश्वम उच्छून बीजगत मंकुरादि रूपम वृक्षमी व्यंजन। अब देखिए श्रीधर स्वामी स्पष्टीकरण करते हैं, कहते हैं कि यह जो महातत्व जिसको विज्ञानात्मा कहा गया है लक्षण करके, यह क्या कर रहा है, सत्व प्रधानत्वात् भगवान का जो विग्रह है सत्व प्रधान है, इसलिए नहीं इसमें विज्ञानात्मा महत्व में सत्व की प्रधानता है ना। भगवान के मंगलमय विग्रह में स्थित जो विश्व, क्योंकि सब कुछ तो भगवान के भीतर है, उच्छून बीज गतम माने बीज से अंकुर, अंकुर से वृक्ष बनता है ना, तो बीज पहले फूल करके, फूल करके मोटा हो जाता है, अब मोटा होकर के फिर उससे अंकुर निकलता है, मिट्टी और पानी का संसर्ग पा करके बीज जो बोया जाता है जमीन में है, वह फूल करके बड़ा होकर के उससे अंकुर निकलता है ना, उसी को कह रहे हैं उच्छून बीज, उच्छून माने मोटा हुआ फूला हुआ, बीज गतम अंकुराज रूपम वृक्षम व्यंजन। जैसे बीज के भीतर वृक्ष अनुप्रविष्ट है ना, तो अंकुर आदि रूप से वृक्षमीव व्यंजन, वृक्ष को व्यंजन, व्यंजन माने व्यक्त करता हुआ, व्यंजन प्रकाशन, प्रकाशन करता हुआ, ये काम है उस महातत्व का प्रकाशन। यतो असौ तमोनुदतीत तमोनुदः, क्योंकि अज्ञान आत्मा है इसलिए तम माने अज्ञान, बुद्धि अज्ञान को नष्ट करती है ना, तो तम रूप अज्ञान को नष्ट करने वाला है विज्ञानात्मा महातत्व। क्योंकि बुद्धि जब पूरा लिस्ट बना करके रखे हुए है तो कोई वस्तु अनजान तो रही नहीं, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, सारी लिस्ट है उसमें, तो क्या बनना है इसका अज्ञान अब नहीं रहा। अज्ञान को नष्ट करने वाला है विज्ञानात्मा। हाँ तो असौ तमोनुदि तमोनुदः तदुक्तम सात्वत तंत्र, यही बात सात्वत तंत्र नारद पंचरात्र तंत्र में कही गई है। क्या कहा गया है, विष्णु सुत्रेण रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः, पुरुषाख्यान्यथो विदुः, प्रथमं महतः सृष्टि, द्वितीयं त्वंड संस्थितं, तृतीयं सर्वभूतस्थं, तान् ज्ञात्वा विमुच्यते इति। सात्वत तंत्र में कहा गया है कि भगवान विष्णु के तीन रूप हैं और वो तीनों रूप भगवान के पुरुषाख्य हैं, पुरुष नाम से कहे जाते हैं। पहला रूप भी पुरुष रूप है, दूसरा भी, तीसरा भी, उन्हीं का आगे वर्णन करते हैं। प्रथमं महतः सृष्टि, पहली सृष्टि महातत्व की है, यह पहला पुरुष रूप है भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु का पहला पुरुष रूप क्या है, महातत्व विज्ञानात्मा समष्टि बुद्धि। द्वितीयम त्वंड संस्थितम, और दूसरा है जब समस्त तत्व मिल करके अंड की रचना करेंगे, ब्रह्मांड रूप अंड की, वह भगवान विष्णु का दूसरा स्वरूप है, ये दूसरा, ये भी पुरुष है, तीनों पुरुष हैं। और तृतीयम सर्वभूतस्थम, और तीसरा भगवान विष्णु का स्वरूप क्या है, जो सभी जीव मात्र के भीतर अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, अंतर्यामी जीव मात्र में, कीट पतंगे तक में, ब्रह्मा से लेकर के, वह तीसरा है पुरुष रूप भगवान का, विष्णु का तीसरा रूप है। इन तीनों को जो जान लेता है, तान ज्ञात्वा विमुच्यते, तो वह मुक्त हो जाता है। आप आगे कहते हैं, अच्छा अभी तो ये पहले की टीका हुई,
27 के तो हो गई ना, अब 28वां मूल। सोप्यंश गुण कालात्मा भगवत दृष्टिगोचर आत्मान व्यकोदात्मा विश्वस्या। सोपि माने वह महातत्व भी, विज्ञानात्मा भी, अंश गुण कालात्मा भगवत दृष्टिगोचर, भगवान की दृष्टि का गोचर बनने पर, मैंने भगवान की दृष्टि पड़ने पर, उसने क्या किया, महत्त्व ने, विज्ञान आत्मा ने अपने को विकृत किया, है ना, विकारवान किया, परिणत किया। विश्वस्या सुरक्षा क्यों किया, तो इस विश्व की रचना के लिए महत्त्व विज्ञान आत्मा ने पुनः भगवान की दृष्टि पड़ने पर या भगवान का संकल्प होने पर जो है अपने को इस विश्व को उत्पन्न करने की, रचना करने की इच्छा से अपने को व्याकृत किया, परिणत किया अहंकार के रूप में। अच्छा, आप देखिए यह कैसा है, इस महातत्व में क्या है, एक तो अंश, अंश माने चिदाभास, है ना, और दूसरा है गुण, गुण है प्रकृति का, प्रकृति का गुण है, और अंश चैतन्यांश है भगवान ने जिसका आधान किया है, और काल क्षोभ करने वाला है, क्षोभ करने वाला काल और क्षुब्ध होने वाले माया के गुण और चेतन अंश, ये तीनों का मिश्रण है महातत्व। वह जब भगवान की दृष्टि गोचर हुआ तो उसने, महातत्व ने आत्मानम माने अपने को अस्य विश्वस्य सुसुक्षया व्याकरोत्, इस विश्व की रचना करने की इच्छा से अपने को व्याकृत किया, व्यक्त किया। ठीक है, अहंकारोत्पत्ति माह सार्धाध्यान, ढाई श्लोक से कहते हैं। सोपी थी अंश चिदाभास, वही व्याख्या कर रहे हैं, अंश माने चिदाभास और गुण क्या है, चिदाभास तो निमित्त हो गया, गुण है उपादान, काल है क्षोभ, काल क्षोभ करने वाला, निमित्त कारण, उपादान कारण और क्षोभ करने वाला काल। परात्मा माने इन तीनों का मिश्रण है महातत्व। तद अधीन है भगवान है सर्वाध्यक्ष, इसको भगवान अपने अधीन करके, क्योंकि भगवान सर्वाध्यक्ष है, तद दृष्टि गोचर है सन, तो भगवान की दृष्टि गोचर में जब यह आया तो स्वयं आत्मानं व्यकरोत, भगवान की दृष्टि पड़ते ही महातत्व ने स्वयं अपने को विकारवान बनाया, रूपांतरम अनयत, रूपांतरण कर दिया। अब यह क्रम चलता जाएगा, क्योंकि काल जो है गुणों में क्षोभ पैदा करेगा, क्षोभ करने से गुणों का परिणाम होता रहेगा, ये है। फिर कहते हैं महत्तत्वाद विकुर्वाणाद अहम तत्वम व्यजायत, माने महत्तत्व के विकारवान परिणामी होने पर अहम तत्व प्रकट हुआ। यह अहम तत्व कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, तो कार्य कारण कर्तात्मा भूतेन्द्रिय मनोमय है ना, जैसे अव्यक्त माया से महातत्व विकृत होने पर प्रकट हुआ, उसी प्रकार से महातत्व के विकृत होने पर अहंकार अहम तत्व प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ। यह कैसा है, तो कार्य कारण कर्तात्मा, तीन अंश हैं इसमें, कार्य रूप एक,
काल रूप क्या है? पंचभूत। और काल रूप क्या है? इंद्रियां और अंतःकरण। और कर्ता क्या है? देवता। इसी को समझ लीजिए अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव। कार्य हो गया अधिभूत, कारण हो गया अध्यात्म, इंद्रियां अंतःकरण, और कर्ता हो गए देवता अधिदैव। ये तीनों का ही वह आत्मा है, कार्य कारण कर्तात्मा। और स्पष्ट कर रहे हैं भूत इंद्रिय मनोमय। भूतमय माने पंचभूत कार्य, और कारण हो गया इंद्रिय मन। ये हो गए मन के साथ में देवता। मन सात्विक अहंकार का कार्य होने से, और देवता भी सात्विक अहंकार का कार्य, तो ये है, उसी को कहते हैं अहंकार से लक्षण माह। अहंकार का लक्षण करते हैं जो महत्त्व के द्वारा प्रकट हुआ है। कार्यम अधिभूतम, कार्य कारण कर्तात्मा की व्याख्या करते हैं श्रीधर स्वामी। कार्यम अधिभूतम वही पांचों पंचभूत, और कारणम अध्यात्मम, कारण कहते हैं अध्यात्म को, इंद्रियां बाह्य और अंतःकरण। और कर्ता कौन है? अधिदैवम। तेषाम आत्मा आश्रयः, तीनों का आत्मा माने आश्रय है, तीनों को अपने उदर में लिए हुए है अहंकार। अहंकार में ही ये तीनों हैं। देखिए महातत्व के बाद जब अहंतत्व तो अहंकार प्रकट होता है, तो अहंकार में क्या है? पृथकता आ जाती है ना। विज्ञानात्मा समष्टि बुद्धि में तो सामान्यतया पदार्थ हैं, किंतु वे अलग अलग हो करके अहंकार जब आया तो उनमें अलगाव आ गया। ये कार्य वर्ग के हो गए, कारण वर्ग के हो गए, कर्तृ वर्ग के हो गए। यह अहंकार जो है, अहंकार क्या करता है? अहंकार मेड़ बनाता है। ये मकान हमारा है, ये तुम्हारा नहीं है, ये जमीन हमारी है, अहम करोति इति अहंकारः, तो ऐसा करता है। तो उसी को कहते हैं कि तत्र हेतु भूतेन्द्रिय मनोमय है ना। तद विकारवान माने भूत पंचभूत इंद्रियां और मन। एतद् विकारवान मन इति देवानाम् उपलक्षणम् है ना। भूत इंद्रिय के बाद मन में देवताओं को भी समझ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सात्विक अहंकार से देवता और मन दोनों प्रकट होते हैं। राजस अहंकार से दोनों प्रकार की इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, और तामस अहंकार से तन्मात्राएं पंचभूत। तो इसलिए मन के साथ में देवताओं को भी ले लिया गया, मन देवा नाम उपलक्षणम। इसी को आगे कहते हैं है ना, तीन प्रकार के अहंकार का वैकारिक तेजसश्च तामसश्चेत्यहं कृधा। वैकारिक माने सात्विक, तेजस माने राजस, तामस माने तामस। अहं तत्वाद् विकुर्वाणात्, अहं तत्व जब विकार को प्राप्त हुआ है ना, जैसे महातत्व को विकार को प्राप्त होने पर अहं तत्व हुआ, अब अहं तत्व जब विकार को प्राप्त होगा तो क्या होगा? वैकारिकात् अहं तत्वात् विकुर्वाणात् मनो अभूत। तीन प्रकार का अहंकार है ना, तो जब वैकारिक माने सात्विक अहंकार जब विकारापन्न हुआ तो मन और देवता हुए। वैकारिकाद् अभूत, वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनम् यतः, माने वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार के विकारापन्न होने से मन और देवता उत्पन्न हुए। वैकारिक मन, वैकारिक देवता। कहते हैं कि देवताओं की क्या आवश्यकता? अर्थाभिव्यञ्जनम् यतः है ना। कहते हैं देखिए इंद्रियां जो हैं
अगर देवताओं के द्वारा अनुग्रहित न हो तो किसी इंद्रिय से कोई अर्थ ग्रहण नहीं हो सकता। नेत्र से जो हम रूप देखते हैं, श्रोत से शब्द सुनते हैं, तो नेत्र इंद्रिय में बैठा हुआ देवता के अनुग्रह से रूप देखते हैं, श्रोत इंद्रिय में बैठा हुआ देवता के अनुग्रह से शब्द सुनते हैं। तो इसलिए सात्विक अहंकार से प्रकट होने वाले देवता ही इंद्रियों के द्वारा अर्थ को अभिव्यक्त कराने वाले हैं। ये है बात, ये मन और देवता ये वैकारिक अहंकार का परिणाम है, अर्थाभिव्यंजनम यतः। टीका, एतदेव विभागतः प्रपंचेति। इसी तीनों प्रकार के अहंकार का विभाग करके विस्तार करते हैं, वैकारिक इत्यादिना। वैकारिक माने सात्विक, तैजसो माने राजस, देवाश्च वैकारिकाः। जैसे मन वैकारिक है, सात्विक अहंकार का कार्य है, ऐसे देवता भी सात्विक अहंकार का कार्य होने से देवता भी वैकारिक हैं। सात्विक अहंकार कार्यभूता इत्यर्थ है, सात्विक अहंकार का कार्यभूत देवता और मन है। यतो येभ्यः इन्द्रियाधिष्ठातृभ्यो देवेभ्यो हेतुभ्यो अर्थाभिव्यंजनम् शब्दादि प्रकाशो भवति। क्यों? क्योंकि इंद्रियों में अधिष्ठान बना करके ये देवता रहते हैं, और तब इंद्रियों के द्वारा अर्थों का भान होता है, अभिव्यंजन होता है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करिथाना, गोस्वामी जी कहते हैं। तो इसलिए इंद्रियों में ही ये जमे रहते हैं देवता, इन्हीं के अनुग्रह से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, शब्दादि प्रकाश होता है। इसके बाद देखिए दूसरा जो अहंकार है, रजोगुणी तेजस तेजसानिन्द्रियाणि वो ज्ञान कर्मयानि च। तेजस अहंकार का कार्य है इंद्रियां, दोनों प्रकार की इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञानमय कर्मय, है ना। तेजसान इंद्रियां वो इंद्रियां तेजसान ने वो इंद्रियां तेजस ही रजोगुण का कार्य है। और तामसो भूत सूक्ष्मादिर यतः खम लिंगमात्मनः। तीसरा भेद जो अहंकार का है, तामस अहंकार, वह तामस अहंकार जो है भूत सूक्ष्मादि, भूत सूक्ष्म, एक तो स्थूल भूत तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनका सूक्ष्म रूप तन्मात्र रूप है। पृथ्वी की तन्मात्रा गंध रस, जल की तन्मात्रा रस, अग्नि की तन्मात्रा रूप, वायु की तन्मात्रा स्पर्श, आकाश की तन्मात्रा शब्द। तो इनमें से आदि भूत जो आकाश है उसकी तन्मात्रा शब्द है, उसी को कहते हैं तामसो भूत सूक्ष्म आदि ही। भूत सूक्ष्म कौन? शब्द, वह आदि शब्द है, यथा खम लिंगमात्मनः। फिर उसी सूक्ष्म सूक्ष्म भूत शब्द से आकाश प्रकट होता है, आकाश के भी व्यक्ति होती है। टीका में कहते हैं तेजसान नेवेत्यन्वयः। दोनों प्रकार की इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, तेजस माने रजोगुणी अहंकार का कार्य है, परिणाम है। कोई लोग यह बात इसलिए कह दी गई कि कोई लोग यह समझते हैं कि ज्ञान इंद्रियां जो है सात्विक होना चाहिए, तो वो सात्विक जो है प्रकाश रूप है, तो ज्ञान मया नाम सात्विकत्व शंका मा भूत। ज्ञानमय इंद्रियों को सात्विक इंद्रिय न कोई, सात्विक अहंकार का कार्य कोई न समझ ले, इस आशंका को निवृत्त करने के लिए ए उपकार दिया गया तेजसान नेव। दोनों प्रकार की इंद्रियां तेजस ही हैं, रजोगुणी हैं, अहंकार का कार्य हैं। और तामस क्या है? तामसा भूत सूक्ष्मस्य शब्दस्यादि कारणम्।
पांचों स्थूल भूत जो आकाश आदि हैं, इनके सूक्ष्म जो पांच तन्मात्राएं हैं, उनमें आदि तन्मात्रा है शब्द। शब्द तन्मात्रा ही तामस अहंकार से प्रकट हुई और वह शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है। तन्मात्रा कारण है और स्थूल भूत कार्य है। खंडलिंगमात्मनः इसको कहते हैं यतः शब्दात् खम आकाशो भवति, क्योंकि शब्द से आकाश उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। तन्मात्रा से पंचभूत आत्मनो लिंगम स्वगुण शब्द रूपेण प्रकाशकम। आकाश क्या है? अपने गुण शब्द, अपने गुण शब्द रूप से प्रकाशन करने वाला है आकाश। देखिए अगर आकाश न हो तो हम शब्द बोलेंगे दूसरा सुन ही नहीं पा सकता। आकाश खाली जगह होने पर ही वह शब्द कान में आकर के हमको सुनाई पड़ता है। तो वह जो शब्द सुनने का माध्यम है वह आकाश है, वही कह रहे हैं। स्वगुण शब्द रूपेण प्रकाशकम, शब्द रूप से प्रकाशित करने वाला है। हृदयाकाश कयावा, अथवा दूसरी व्याख्या श्रीधर स्वामी करते हैं हृदयाकाश, हृदयाकाश, क्योंकि हृदयाकाश में ही है ना मन बुद्धि का केंद्र माना गया है ना। और ज्ञान की प्रतीति जो है मन बुद्धि में ही तो होती है। ये शब्द कहा गया, वह शब्द कहा गया, तो इसलिए आकाश अगर न हो हृदय आकाश तो कोई ज्ञान ही नहीं हो, प्रतीति ही न हो। इसलिए आकाश जो है बोध का लिंग है, ज्ञापक है। दूसरी व्याख्या। तीसरी व्याख्या एक और करते हैं यद्वा लिंगम शरीरम। लिंग शब्द का अर्थ करते हैं शरीर। लिंग शरीर कहा भी जाता है, स्थूल शरीर, लिंग शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर कहते हैं ना। तो आकाश जो है लिंगम शरीरम, कैसे? आकाश शरीरम ब्रह्म इति श्रुते है। ब्रह्म जो है, ब्रह्म का लिंग शरीर बताया गया आकाश। आकाश शरीरम ब्रह्म ये श्रुति कहती है। तो इस प्रकार से माने लोकक व्यवहार का ज्ञान ही नहीं, परम ब्रह्म का ज्ञान भी आकाश के माध्यम से होता है। आकाश का ज्ञापक, आकाश जो है ब्रह्म का भी ज्ञापक, ऐसा जो है वह तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा से वह आकाश प्रकट हुआ, फिर आकाश से वायु, वायु से आगे फिर सृष्टि का क्रम आगे बता रहे हैं। अब आगे कहते हैं काल मायांश योगेन भगवद वीक्षितम नभः नभसोनुस्वतम स्पर्शम विकुर्वन् निर्ममे नीलम। यहां देखिए सात्विक अहंकार की सृष्टि तो पूरी हो गई, मन पैदा हो गया और 14 देवता पैदा हो गए, 5 ज्ञानेन्द्रियों के देवता, 5 कर्मेन्द्रियों के देवता, 4 प्रकार के अंतःकरण के देवता, 14 देवता और मन पैदा हो गया सात्विक अहंकार से। अब आगे कोई सृष्टि नहीं। राजस अहंकार से 2 प्रकार की इंद्रियां और 5 प्राण, 15, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेन्द्रियां, 5 प्राण। और तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा से आकाश। अब आकाश से, आकाश से स्पर्श तन्मात्रा, उससे वायु, वायु से रूप तन्मात्रा, फिर तेज अग्नि, और तेज अग्नि से रस तन्मात्रा और जल, जल से गंध तन्मात्रा और पृथ्वी। इस प्रकार से यहां तक यह उत्पत्ति का क्रम बताने जा रहे हैं। काल मायांश योगेन भगवद वीक्षितम नभः। अब देखिए 3 चीजों का अन्वय सम में है।
काल माने गुणों में शोक पैदा करने वाला तत्व है ना, और माया माने गुण सतरजतम, और अंश माने वही चिदाभास। इन तीनों का योग रहेगा, काल माया अंश योगेन भगवत वीक्षितम नभः। जब भगवान ने इन उस नभ को आकाश को देखा है ना काल माया और अंश योग से, तब क्या हुआ कि भगवान के द्वारा देखे जाने पर नभसो अनुसृतम स्पर्शम विकुर्वन निर्ममे नीलम, उस आकाश से स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न हो गई और स्पर्श तन्मात्रा स्वयं विकारवान होकर के अनिल माने वायु को उत्पन्न कर दिया, स्पर्श तन्मात्रा ने वायु को उत्पन्न कर दिया। और देखिए अनिलोपि विकुर्वाणो नभसोरु बलान्विता, और अनिल भी असम्य काल मायांश योगेन समय लगाते चलिए, अनिल माने वायु भी विकार को जब प्राप्त होगा और नभसोरु बलान्विता, नभ आकाश के संसर्ग से बलवान बना हुआ है, बल से अन्वित है, तो ससर्ज रूप तन्मात्रम, तो उस वायु ने रूप तन्मात्रा को रच दिया है ना। ज्योतिर्लोकस्य लोचनम, रूप तन्मात्रा को प्रकाशित करने वाली ज्योति अग्नि तत्व, रूप तन्मात्रा से अग्नि तत्व है ना, जो अग्नि तत्व संसार के देखने का लोचन है, नेत्र है, क्योंकि नेत्र इंद्री जो देखने का काम करने वाली है वह अग्नि स्वरूप है। अनिलेनान्वितम ज्योतिर्विकुर्वत् परवीक्षितम आधत्ताम्भोरसमयम काल मायांश योगतः, इसी प्रकार से अनिल माने वायु के द्वारा अन्वित जो ज्योति माने अग्नि, वह जब विकार को प्राप्त हुई, परवीक्षितम माने परमेश्वर के द्वारा जब उसका वह दृष्टिगोचर हुई, इसका अन्वय सभी में है, पांचों में, काल मायांश योगेन और भगवान के द्वारा देखे जाने पर, तब क्या हुआ आधत्ताम्भो रसमयम, रस तन्मात्रा उत्पन्न हुई और रस तन्मात्रा से अम्भ माने जल उत्पन्न हो गया, काल मायांश योगता यहाँ पर भी है। इसी प्रकार से ज्योतिषाम्भो संसृष्टम विकुर्वन ब्रह्म वीक्षितम, ज्योति से अन्वित जो अम्भ माने जल, उसने क्या किया अनुसृष्टम विकुर्वन ब्रह्म वीक्षितम महीम, गंध गुण को उत्पन्न कर दिया जल ने, और उस गंध तन्मात्रा से पृथ्वी प्रगट हो गई। विकुर्वत बने विकार को प्राप्त होते, ज्योति से अन्वित जल जब विकार को प्राप्त हुआ और ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा देखा गया, तो गंध गुण प्रकट हुआ और उस गंध गुण ने विकृत होकर के पृथ्वी को उत्पन्न कर दिया। काल माया अंश योगता देखे सब में है, काल माया और अंश का योग सब में है, भगवान के द्वारा देखा जाना और काल माया अंश योग। भूतानाम नभ आदि नाम, अच्छा अट्टीका लेते कहाँ से रह गए 32, नभसः स्वस्माद् अनुसृतम् उद्भूतम् स्पर्शम् विकुर्वत् रूपांतरम् नयद् अनिलम् वायुम्। आकाश के द्वारा अनुवृत्त होकर के उद्भूत होने वाला जो स्पर्श तन्मात्रा, वह स्पर्श तन्मात्रा जब विकार को प्राप्त हुआ, रूपांतर विकार को प्राप्त माने रूप का परिवर्तन होना, रूपांतर प्राप्त करना, तो वह है ना नयद अनिलम वायु, वायु को उत्पन्न कर दिया उसने। स्पर्श तन्मात्रा ही विकृत होकर के वायु बन गया। एवं सर्वत्र श्रीधर स्वामी कहते हैं,
कि सभी जगह उत्पत्ति का क्रम ऐसा ही है, इसलिए कह रहे हैं सर्वत्र तन्मात्र द्वारा भूतोत्पत्ति ही, पहले तन्मात्रा फिर उस तन्मात्रा वाले स्थूल भूत की उत्पत्ति ऐसी समझनी चाहिए। 32 के बाद 33 है ना, अनिल से जो है रूप तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा से अग्नि, तो नभसा सहित स्वयं च उर्बलान्वित आकाश के सहित, और स्वयं वायु है ना विशेष बल से अन्वित होकर के उससे क्या हुआ, रूप तन्मात्रा उत्पन्न हुई। ततो ज्योति ही रूप तन्मात्रा से ज्योति, तन्मात्रा के बिना किसी भूत की उत्पत्ति नहीं है कहीं भी। तेज लोचनम प्रकाशकम, या तेज ही नेत्र के रूप में रूप का प्रकाशक होता है। 34-35 की व्याख्या नहीं की, क्योंकि वैसी ही व्याख्या है 34 में, यही है अनिलेन अन्वितम ज्योतिर्विकुर्वत परिवीक्षितम, अनिल से अन्वित जो ज्योति माने अग्नि, वह जब विकारापन्न हुई और पर माने परमेश्वर ने उसको देखा तो उससे रस प्रकट हुआ, रस तन्मात्रा, रस तन्मात्रा से जल पैदा हो गया। यहाँ पर भी काल माया अंश योग है। इसी तरह से 35 में ज्योतिषाम भूमि संसम, ज्योति से युक्त जो अम्भ माने जल, उसका जब है ना विकार हुआ, विकार को प्राप्त हुआ और ब्रह्म वीक्षितम माने परमेश्वर परमात्मा ने दृष्टि डाली, तो उससे गंध गुण पैदा हो गया। गंध गुण से के विकृत होने पर पृथ्वी पैदा हो गई, अर्थात काल माया अंश योगता है, काल माया का अंश योग यहाँ पर भी है। अब आगे एक बात और कहते हैं, भूतानाम नभ आदि नाम यद्यद भव्या वरावरम तेषां परानुसंसर्गाद यथा संख्यम गुणान विदुहु। मैत्रेय भगवान कहते हैं पांचों परमात्राओं के द्वारा पांचों भूतों की उत्पत्ति तक वर्णन कर दिया। आप कहते हैं कि देखो शब्द तन्मात्रा से जो आकाश उत्पन्न हुआ है उसमें केवल शब्द गुण है, किंतु आकाश से स्पर्श तन्मात्रा द्वारा जो वायु उत्पन्न होता है उसके दो गुण हो गए है ना। स्पर्श जो तन्मात्रा है वह तो उसका गुण वायु का है ही, किंतु अपने कारण जो आकाश है उसका गुण शब्द भी उसमें आ जाता है, अनुवृत्त हो जाता है, तो वायु में शब्द स्पर्श दो गुण हो जाते। इसी प्रकार से वायु से उत्पन्न रूप तन्मात्रा, तो रूप तन्मात्रा से उत्पन्न हुआ अग्नि या तेज, तो तेज में अपना गुण तो रूप है ही, वायु का गुण स्पर्श भी है, आकाश का गुण शब्द भी है, तो शब्द स्पर्श रूप तीन गुण हो गए। फिर उस तेज से उत्पन्न हुई रस तन्मात्रा, रस तन्मात्रा से जल उत्पन्न हुआ, तो जल में अपना गुण तो रस है ही, तेज का गुण रूप भी है, वायु का गुण स्पर्श भी है और आकाश का गुण शब्द भी है, शब्द स्पर्श रूप रस चार गुण हो गए। ऐसे ही जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी, पृथ्वी जल से पहले गंध तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी, तो पृथ्वी में गंध तन्मात्रा तो है ही, ऊपर के आकाश आदि चारों भूतों के चारों गुण भी हैं, तो पांच गुण वाली पृथ्वी हो गई। इसी बात को इस श्लोक में कह रहे हैं, भूतानाम नभ आदि नाम, नभ माने आकाश आदि जो पांचों भूत हैं, ये कैसे हैं, यद्यद भव्या वरावरम है ना, एक कारण है एक कार्य है, अवर कार्य है ऊपर वाला कारण है, तेषां परानुसंसर्गात, तो इन पांचों भूतों में पर माने कारण गुण के संसर्ग से यथा संसम गुणान विदुहु,
तो जिसके ऊपर जितने कारण होंगे कारण के गुण भी उसमें आ जाएंगे। एक निजी गुण रहेगा, वह तो गुण अपना निजी रहेगा, बाकी कारण जितने होंगे उन कारण के गुण भी आ जाएंगे। इस प्रकार से आकाश केवल शब्द गुण वाला, वायु शब्द स्पर्श दो गुण वाला, अग्नि शब्द स्पर्श रूप तीन गुण वाला, जल शब्द स्पर्श रूप रस चार गुण वाला, पृथ्वी पांच गुण वाली। टीका, हे भव्य विदुर, यहाँ इस श्लोक में है ना कहते हैं यद्यद् भव्या बराबरम, भव्य शब्द आया है तो भव्य शब्द को श्रीधर स्वामी कहते हैं विदुर जी के लिए संबोधन है, हे भव्य, हे भव्य पुरुष संबोधन है। कोई कहते नहीं भव्य नहीं भाव्य है, तो भाव्य अगर पाठ मानते हैं तो भाव्य का अर्थ हो जाएगा काव्य, जो पैदा होने वाला, पैदा होने वाला भाव्य हो जाए काव्य। दोनों तरह की व्याख्या कर रहे हैं। तो कहते हैं भाव्यम कार्यम यद्यद् अवरम, अवरम कार्यम, एक कारण है दूसरा कार्य है उसका कार्य तीसरा उसका कार्य चौथा, अवर अवर कार्य हुआ ना, तेषाम कार्याणाम, तो कार्य का कार्य उसका कार्य उसका कार्य, तो उन कार्यों में क्या होगा, कार्याणाम परै कारण ही, ऊपर के जो कारण होंगे किसी के एक किसी के दो किसी के तीन किसी के चार, और पृथ्वी के चार कारण होंगे जल के तीन होंगे, तो ऊपर के जो कारण हैं अनुसंसर्गाद उनका संसर्ग रहने से यथा यथम अम्भसस है ना, यथा यथम यथाक्रमम उत्तरोत्तरम अधिकान गुणान विदुहु, यथा क्रम से उत्तरोत्तर अधिक गुण जानना चाहिए पंचभूतों के। वही जैसा हमने बताया आकाश में एक, वायु में दो, तेज में तीन, जल में चार, पृथ्वी में पांच गुण होते हैं, इसी क्रम से। तथा ही आगे विवेचन करते हैं, नभसः शब्दयो गुणः, नभ का केवल शब्द ही गुण है। क्यों? क्योंकि उसमें और किसी का अन्वय ही नहीं है, अन्यान्वयाभावात्, अन्य कोई कारण का अन्वय तो है नहीं। वायुस्तु स्पर्शः, वायु का अपना गुण तो स्पर्श है, किंतु आकाश का अन्वय होने से शब्द भी उसका गुण कहा जाता है, शब्दस्य। एवं तेजसः, इसी प्रकार से तेज का अपना गुण तो रूप है ना, और वायु और आकाश के शब्द स्पर्श होकर के तीन गुण हो गए, हाँ, रूपम च। अम्भसस पानी रसस, अम्भ माने जल का अपना गुण तो रस है, और बाकी ऊपर के तीन गुण और मिल गए, शब्द स्पर्श रूप। यथा सर्वे महिया सर्वे, पृथ्वी के तो पांचों गुण होंगे क्योंकि अंतिम कार्य है। आप देखिए ये सृष्टि जो है, तत्वों की सृष्टि जो है अब तक मैत्रेय भगवान ने बताई। अब कहते हैं एते देवा कला विष्णु काल मायांश लिंगिन नानात्वा सक्रियानीषा प्रोतु प्रांजलयो विभुम। देखिए मैत्रेय भगवान कहते हैं कि विदुर जी, ये देवता, ये भगवान विष्णु की कला रूप है, क्योंकि देखिए सभी की उत्पत्ति में काल मायांश योग भी है और भगवान का वीक्षण भी है, भगवान की दृष्टि पर। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु की कला रूप है ये देवता, माने 23 प्रकार का गण है ये, महातत्व अहम तत्व के तीन भेद, और उन तीनों में तन्मात्राएं पंच महाभूत ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां मन देवता, इन सबों को गिनती करेंगे काफी संख्या हो जाएगी, ये सब देवता कहे जा रहे हैं, देवता है। एते देवा कला, और भगवान विष्णु की कला रूप हैं। काल मायांश लिंगिना, इनमें तीन हैं, तीन अंश हैं। काल का अंश है विकृति क्षोभ वही है ना, और माया का अंश है परिणाम है ना,
तो काल लिंग, माया लिंग और अंश माने चेतना चिदाभास, तीन लिंग वाले। और ये जो है नानात्वास्व क्रियानिषा, ये नाना है, अनेक हैं, भिन्न भिन्न है, अलग अलग जाति के हैं, इसलिए स्वक्रियानिषा अपनी क्रिया करने में ये असमर्थ थे। क्योंकि क्रिया देखिए ऐसी होनी है भगवान के लिए, है ना, विहार तंत्र झूला बनाना है इनको। अब झूला बनाने के लिए कोई वस्तु बनाई जाती है तो सब पर जोड़ना पड़ता है ना, तो जोड़ने के लिए वस्तु जुड़े कैसे, वो तो अलग अलग हैं, अलग अलग जुड़ने की जरूरत नहीं समझते हैं। इसलिए भगवान के लिए विहार तंत्र ये बनाने में समर्थ नहीं हुए। सक्रिया निशा प्रोचु प्राणजलयो विभुम, तब हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। यहाँ इन देवताओं के द्वारा स्तुति जब की जाएगी तब भगवान जो है अपनी शक्ति से इन देवगणों को संपन्न कर देंगे, तब फिर ये मिल करके विहार तंत्र ब्रह्मांड की रचना कर, ये प्रसंग आगे आ रहा। यहां देखिए एक दृष्टि जो पीछे जिसका संकेत किया जा चुका है उसकी जरा सा दो चार मिनट में चर्चा कर लेते हैं, जो बहुत आवश्यक है वह क्या। देखिए एक तो यह है प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में जब सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को, है ना, मनुष्य मात्र का श्रेय का साधन क्या है यह प्रश्न का उत्तर दिया है, तो कहा है सवई पुंसाम परो धर्मा यतो भक्तिरधोक्षजे। यह कह करके फिर कहते हैं कि यदि कोई सामान्य धर्म में लगा हुआ हो और भगवान की लीला कथाओं में रुचि उत्पन्न न हुई हो तो उसका वह धर्माचरण का प्रयास निष्फल है, श्रमयो हि केवलम्। यह कहने के बाद फिर वहां पुरुषार्थ की मीमांसा प्रस्तुत करते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म के बारे में कहते हैं कि धर्म मोक्षोपयोगी है, मोक्ष के लिए धर्म है। धर्म का फल जो लोग अर्थ समझते हैं ये मूर्खता करते हैं, धर्म का फल अर्थ नहीं है। अर्थ तो छाया रूप में, जैसे पेड़ खरीदेंगे तो छाया अपने आप मिलेगी, उसका पैसा थोड़े देना पड़ता है, अर्थ अपने आप आए। अर्थ का फल क्या, अर्थ किस लिए है, तो अर्थ को समझते हैं कि काम भोग के लिए है, धर्म अर्थ और काम उससे जोड़ते हैं, लेकिन ये भी नहीं। सूत जी कहते हैं कि अर्थ का फल है धर्म की वृद्धि, काम तृप्ति नहीं। फिर काम का फल पुरुषार्थ तो काम भी है, तो काम का फल वहां बताते हैं, काम का फल है शरीर की रक्षा, कामस न इंद्रिय प्रीति ही, इंद्रियों को पूरी तरह से तृप्त करने के लिए काम का सेवन करना या नहीं है। इंद्रिय कामस न इंद्रिय प्रीति, फिर क्या है काम का फल, लाभो जीवेत यावता, उसका लाभ केवल यह है कि जीवन सुरक्षित रहे, काम की उपेक्षा से जीवन नष्ट न हो जाए, मौत न हो जाए, केवल ये फल है। जीवन किस लिए है, तो जीवन तो मोक्ष के लिए कहना चाहिए ना, किंतु मोक्ष तो वो तो सिद्ध फल है ही, वह सिद्ध फल प्राप्त कैसे हो, इसलिए उस सिद्ध फल की प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं सूत जी, जीवस तत्व जिज्ञासा। जीवन जो सुरक्षित बनाए जाने का उपदेश शास्त्र में है उसका फल है तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा माने तत्व ज्ञान,
अब तत्व क्या है, जिसकी जिज्ञासा जीवन का फल है, तो तत्व का परिचय देते हैं सूर्य जी। वदंत तत्त्व विदस्तत्त्वम यज्ञान मद्वयम, वह तत्व क्या है जिसका ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य है। वह तत्व है अद्वयम यज्ञानम तत्त्वम, और यह क्योंकि तत्व की बात तत्वज्ञ बताएगा, सामान्य व्यक्ति कौन बताएगा। तो वदन्ति तत्त्व विदस्तत्त्वम यज्ञान मद्वयम, उसी को कोई ब्रह्म शब्द से कहता है, कोई परमात्मा शब्द से कहता है, कोई भगवान शब्द से कहता है। यह तत्व के बारे में और ध्यान रखिए, श्रीमद् भागवत का दशम पदार्थ जो आश्रय है वही तत्व है, वही ब्रह्म है। उसी का स्पष्ट स्वरूप दर्शन कराने के लिए विस्तार से विवेचन किया गया है। तो एक तो वह तत्व जो जीवन के लिए लक्ष्य रूप है, अब उसकी व्याख्या जहां जहां भी कहीं श्रीमद् भागवत मिलेगी इसी रूप में मिलेगी। जैसे अभी यहीं पर आगे देखिए, दूसरे स्कंद में जब महाराज परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से 3 अध्याय में मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका उत्तर सुन लिया, तो पूरी तरह से भगवान में उनका अंतःकरण लग गया और अब भगवान की लीला के बारे में प्रश्न किया। तो भगवान की लीला उत्पत्ति स्थिति संगारी है, जो विदुर जी का जो प्रश्न वही प्रश्न वहां है, तो उसके उत्तर देने के लिए नारद और ब्रह्मा का संवाद प्रस्तुत किया गया। नारद जी ने जब प्रश्न किया ब्रह्मा जी से दूसरे स्कंद में, तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी तो समझते थे कि आप ही सर्वे सर्वा हो, ईश्वर और तो कोई है नहीं। तब ब्रह्मा जी ने बताया, कहा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने वहां जो उपदेश किया, उस उपदेश में देखिए वे क्या बार बार दोहरा करके कहते हैं, क्या कहते हैं कि इस विश्व ब्रह्मांड में काल माया स्वभाव पंचभूत गुण क्रिया द्रव्य ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो भगवान से अतिरिक्त हो। और यहां तक कहते हैं कि भाव रूप पदार्थ ही नहीं, जितना भी भाव रूप पदार्थ समझे जाते हैं वे तो भगवान का स्वरूप है ही, अभाव रूप से भी हम जो जो समझते हैं वह भी भगवान ही हैं। फिर कहते हैं कि जब मैं प्रकट हुआ, भगवान का मुझे साक्षात्कार हुआ, तो मुझे भगवत स्वरूप विग्रह के अलावा और कोई कुछ दिखाई ही नहीं दिया। तब मैंने भगवान के ही अंगों से ही मंत्र द्रव्य पदार्थ यज्ञ की ही वस्तुएं सामग्री कुश विधि विधियां नाम ये सब मैंने भगवान के अंगों से ही प्रकट किया, बनाया, कल्पित किया। और कल्पित करके फिर मैंने उन यज्ञों के द्वारा उन्हीं यज्ञ रूप भगवान की आराधना की। इसके बाद देवताओं ने भी वही किया, मेरे पुत्र मरीचि आदिकों ने वही किया, मनु आदिकों ने वही किया। ये देखिए प्रतिपादन किया जा रहा है, इतना उच्च कोटि का दर्शन है यह। आज जो सारे संसार में जो है साम्यवाद समाजवाद और मानवतावाद की दुहाई देने वाले लोग शोर मचा रहे हैं, आत्मवाद सर्वात्मवाद से बढ़कर के कोई वाद हो नहीं सकता जो शास्त्र सम्मत पक्ष है, किंतु उसको इस रीति से। अच्छा देखिए, यह जो तत्ववाद है सर्वात्मवाद है जिसका निरूपण हो रहा है और सारे भागवत में यही है, तो यह अगर समझ में आ जाए
तो फिर जो अनर्थ जो चारों ओर फैला हुआ है, बन रहा है, बढ़ता जा रहा है, उपद्रव बढ़ता जा रहा है, ये ऐसा ना। किंतु खेत के साथ यह सब कहना पड़ रहा है कि इसको समझने समझाने के बारे में कोई न प्रयास हो रहा है, और क्योंकि हमारा अपना मानना यह है कि इसको अगर समझ जाए व्यक्ति तो फिर उसमें पारस्परिक राग द्वेष इसको कहीं स्थाने न रहे, राग द्वेष प्रश्न ही में कह दिया है कि जो भगवत गुणानुवाद में रति होनी चाहिए उसको छोड़ करके जो मनुष्य व्यर्थ के बाद विवाद में, मन के द्वारा व्यर्थ के चिंतन में, शरीर के द्वारा व्यर्थ के क्रियाकलापों के पीछे भाग दौड़ में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के बारे में मैं बड़ा शोक करता हूँ। विदुर जी कहते बड़ा दुखी होता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवत यशोगान को छोड़ करके अगर वे खाली रहेंगे तो वे उपद्रव ही करेंगे, उनकी तीनों प्रकार की चेष्टाएं उसी कोटि की होंगी। अब यहाँ जो है इसके बाद, अब आगे आज समय भी हो गया है, कल देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुति की जाएगी। स्तुति करके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो है आप वह हमको शक्ति दो जिससे कि हम आपकी सेवा के लिए बिहार तंत्र की रचना करने में सक्षम हो सकें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।